उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका को हाल ही में एक वीडियो में अपने छात्रों को मल्टीप्लिकेशन टेबल ना सीखने पर एक साथी सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते देखा गया। इसके बाद बच्चों ने बारी बारी से छात्र को मारा और शिक्षिका बैठी देखती रही। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है। बताया जाता है कि पीड़ित बच्चा मुस्लिम था, जिसे लेकर शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस वायरल वीडियो पर न केवल नेटिजन्स बल्कि स्वरा भास्कर, रेणुका शाहने और स्वस्तिका मुखर्जी जैसे बी टाउन सेलेब्स ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी द्वारा फैलाया गया केरोसिन बताया, जिसने भारत के हर कोने में आग लगा दी है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने लोगों से वीडियो साझा न करने का अनुरोध भी किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका को हाल ही में एक वीडियो में अपने छात्रों को मल्टीप्लिकेशन टेबल ना सीखने पर एक साथी सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते देखा गया। इसके बाद बच्चों ने बारी बारी से छात्र को मारा और शिक्षिका बैठी देखती रही। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है। बताया जाता है कि पीड़ित बच्चा मुस्लिम था, जिसे लेकर शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस वायरल वीडियो पर न केवल नेटिजन्स बल्कि स्वरा भास्कर, रेणुका शाहने और स्वस्तिका मुखर्जी जैसे बी टाउन सेलेब्स ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी द्वारा फैलाया गया केरोसिन बताया, जिसने भारत के हर कोने में आग लगा दी है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने लोगों से वीडियो साझा न करने का अनुरोध भी किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका को हाल ही में एक वीडियो में अपने छात्रों को मल्टीप्लिकेशन टेबल ना सीखने पर एक साथी सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते देखा गया। इसके बाद बच्चों ने बारी बारी से छात्र को मारा और शिक्षिका बैठी देखती रही। वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रखा है। बताया जाता है कि पीड़ित बच्चा मुस्लिम था, जिसे लेकर शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस वायरल वीडियो पर न केवल नेटिजन्स बल्कि स्वरा भास्कर, रेणुका शाहने और स्वस्तिका मुखर्जी जैसे बी टाउन सेलेब्स ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी द्वारा फैलाया गया केरोसिन बताया, जिसने भारत के हर कोने में आग लगा दी है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो ने लोगों से वीडियो साझा न करने का अनुरोध भी किया। Thank you.